हेलो एवरीवन वेलकम टू एस आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे आज इस वीडियो में जो आरआरबी ग्रुप डी का आप लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका पार्ट टू है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं आप लोग इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा नहीं देखेंगे तो आप लोग पछताएंगे ये बात तो पक्की है यदि आप लोग जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड होती हैं आप लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से चाहे आप लोग मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग के हो चाहे साइंस की हो चाहे जनरल नॉलेज की हो आप लोग इतनी वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम निकलना पक्का है ये समझ लीजिए नहीं देखेंगे तो आप लोग बाद में पछताएंगे तो आप लोग वीडियो को जरूर जितने लोग भी जुड़े तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सभी लोग तक यह वीडियो पहुंच सके उनको भी यह वीडियो का फायदा मिल सके तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं पहला पार्ट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर वन आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट बना दी गई है आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल पे या लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी या इसी वीडियो के जैसे ये वीडियो खत्म करेंगे आप लोग के एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगी आप लोग जाके देख सकते हैं चले पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है यदि आप लोग किसी भी सवाल का आंसर बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पहला सवाल है फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा है किसमें फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा है रजत ब्रोमाइड हाइपो सोडियम या हाइड्रोक्यूनोन बहुत ही अच्छा सवाल है तो आप लोग को ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्यूनोन सॉरी रजत ब्रोमाइड होगा क्या होगा रजत ब्रोमाइड यानी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ठीक है आप लोग को याद रखना है ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जो भी आप लोग के मन में सवाल हो आप लोग कमेंट कर करजिए या आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जुड़ के आप लोग सवाल पूछ सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे पेज पर आप लोग जुड़ के सवाल पूछ सकते हैं उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी और टेलीग्राम पर जुड़ के आप लोग पी भी डाउनलोड कर सकते हैं अगला सवाल है किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष राकेट नूरी का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है देश ने किया है आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया किसने दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है यानी चिल्ड्रेन रेशियो सबसे कम है आप लोग को ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा हरियाणा में कहां पे हरियाणा में और करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप, आप लोग हर एक राज्य के राज्यपाल और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर याद कर लीजिएगा या लिख लीजिए जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आप लोग को याद रहना चाहिए चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी सीएम कौन है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए हरियाणा के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है अगला सवाल है प्रायध भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है कहाँ पे है आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर है भूमध रेखा के उत्तर में कहाँ पे है भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट right आंसर हो जाएगा क्या है भूमध्य रेखा के उत्तर में चलिए अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो सभी लोगों से बनना चाहिए नहीं बनता है तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग तैयारी बहुत ही बेसिक नहीं है निम्न कोटि की है समझ लीजिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है यानी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ठीक है अगला सवाल लेते हैं भारत के निम्न राज्यों में से किसकी अभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी भारत के निम्न में से राज्यों में से किसकी कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश की किसकी आंध्र प्रदेश ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा अगला सवाल लेते हैं निम्न में से भारत में सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है राइट आंसर होगा राजस्थान कौन सा है राजस्थान यानी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का सॉरी सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है नहीं, सेकेंड नंबर पर कौन है छत्रवर्ग की दृष्टि से आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप लोग गूगल कीजिए नहीं बनता है तो आप लोग को हमेशा के लिए याद रहेगा गूगल करेंगे तो अगला सवाल है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं आप लोग को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं कौन उपराष्ट्रपति ऑप्शन थर्ड आप लोग का सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल लेते हैं पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बताइए पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है किन की, की, किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर होगा अकबर और हेमू के बीच में ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल लेते हैं निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कौन सा है बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यानी केम लाम जाओ ठीक है अगला सवाल केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी ने ज्योतिर्मंगन की उत्सव 2022 का शुभारंभ कहां किया कौन से ज्योतिर्म गम, गम, गमया उत्सव 2022 का शुभारंभ कहां पर किया गया इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में सॉरी नई दिल्ली में ऑप्शन सेकेंड ठीक है अगला सवाल लेते हैं एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना की रचना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप हुई किसके परिणाम स्वरूप हुई थी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड पंद्रहवीं लोकसभा में कब हुआ था पंद्रहवीं लोकसभा यानी ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए बताइए दस सेकेंड का टाइम आप लोग को दे रहे हैं बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था बताइए सत्रह सौ पैंसठ सत्रह सौ चौंसठ सत्रह सौ छाछठ या सत्रह सौ अड़सठ बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ज्यादा टाइम लगे तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए फिर उसका आंसर दीजिए चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी सत्रह सौ चौसठ में बक्सर का युद्ध हुआ था यानी ऑप्शन सेकेंड आप लोग का सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग ध्यान दीजिएगा आई एस ओ नाइन हंड्रेड क्या है आई एस ओ नाइन थाउजेंड क्या है बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड अच्छे प्रबंधन का नाम है क्या है अच्छे प्रबंध का नाम यानी ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है प्रधानमंत्री वंद योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है इसका राइट आंसर होगा पंद्रह लाख क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए अगला सवाल ले लेते हैं उन्नीस ईस्वी में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था उन्नीस में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है लॉर्ड रिपन लाड़ कर्जन लॉर्ड मिंटो या साइमन बताइए आप लोग ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए रहेगा उन्नीस में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बनेगा तो अच्छी बात है नहीं तो आप लोग इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा चलिए सभी लोग बताना है तभी आगे बढ़ना है अगला सवाल लेते हैं नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है नाम दफा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कहां पे अरुणाचल प्रदेश में ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है स्वेज नहर निम्नलिखित को जोड़ती है स्वेज नहर जो है निम्नलिखित को जोड़ती है आप लोग को ध्यान रखना है लाल समुद्र था मेडिटेरियन समुद्र को जोड़ती है यानी ऑप्शन सेकेंड आप, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन सेकेंड अगला सवाल मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था आप लोग को ध्यान रखना है यह था बिम्बासार कौन था बिम्बासार यानी ऑप्शन थर्ड आप, आप लोग का राइट आंसर होगा ठीक है और आप लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जितने अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और अभी जुड़े चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगला सवाल लेते हैं किस देश ने जून 2022 में अपना तीसरा विमान वाहक पोत फ्यूजियान लॉन्च किया है किसने किया है राइट आंसर होगा चीन ने किया है किसने चीन देश ने अगला सवाल है जून 2022 में पहली बार किस प्रसारण कंपनी खरीद नीति जारी की है ध्यान दीजिएगा जून दो हजार बाईस में ये प्रसार भारती ने ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है नंदा देवी चोटी जो है किस राज्य में स्थित है आई होप सभी लोगों को पता होगा ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड उत्तराखंड क्या होगा उत्तराखंड अगला सवाल निम्नलिखित में से एक किलोबाइट तुल्य होता है एक किलो वाइट तुल्य होता है किसके बराबर होता है एक किलो बाइट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ दस सौ चौबीस बाइट के बराबर होता है क्या होता है दस सौ चौबीस बाइट यानी ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा एक क्वेश्चन और है जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर सभी लोग नहीं एक क्वेश्चन नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है भारत किस राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है भारत के किस राज्य को बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरे राइस बाउल कहा जाता है इनमें से आंसर क्या होगा इसका भी आंसर आप लोग को बताना है यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगला सवाल है, है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये भी क्वेश्चन आप लोग लो के लिए होमवर्क के लिए यानी तीन क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में पूछे गए हैं जो बहुत ही इजी है आप लोग को जरूर बताना है देखते हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ठीक है और आप लोग जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग को प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद